हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरवर्ड रेफ की कि किस तरीके से हम फॉरवर्ड रेफ का यूज़ करते हैं। जनरली इस मेथड को बहुत ही रेयर केस में यूज़ करते हैं, बट ये बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपकी हेल्प कर सकता है। ये यूज़ आता कहाँ है, चलिए देखते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। अगर हम हमारी एप्लीकेशन देखें, जो कि एक साइनअप की एप्लीकेशन है, इस पे अगर हम बात करें कि सपोज़ जब हम कोई फील्ड्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं और डायरेक्ट हम इनपुट फील्ड को क्लिक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वैलिडेशन में ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा फील्ड हमें फिल करना है और कौन सा नहीं, कौन सा रिक्वायर्ड फील्ड है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करें तो यूज़र है वो सीधा कहाँ पे फोकस कर जाए, हमारे इनपुट फील्ड के ऊपर, ठीक। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने फोकस का यूज़ नहीं किया हुआ। हम चाहते हैं यहाँ पे हम फोकस को ऐड करें। चलिए देखते हैं किस तरीके से फोकस को ऐड करते हैं। चलते हैं हम हमारे विजुअल कोड एडिटर में, जहाँ पे हमने इसका कोड इम्प्लीमेंट किया है, और देखते हैं कि पहले कोड स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। हम आपको ये बता दें यहाँ पे कि हमने स्टेट का यूज़, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में यूज़ स्टेट के अंदर सीख चुके हैं, वो ऑलरेडी कर रखा है, ताकि हम इन इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को सेट कर सकें, ठीक। अब अगर हम चाहें कि अगर हमने इसे फिल नहीं किया है और उसका वैलिडेशन देखें, तो वो किस तरीके से करेंगे, चलते हैं हमारे कोड में। चलिए यहाँ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं app.js की। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यूज स्टेट का जैसे बताया कि यूज़ किया है, जहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड को सेट कराया है। ये ऑन चेंज मेथड है दोनों के, डिफरेंट डिफरेंट, जहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं हम। ये सबमिट के ऊपर कॉल होता है, ठीक। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फोकस होता है फॉर्म का। ये हमने इनपुट फील्ड्स बनाए हैं, इनपुट फील्ड्स, या यूँ बोलें कि ये इनपुट कंपोनेंट है, जिसके अंदर हमने क्या की हुई है, प्रॉप्स को डाला हुआ है डेटा को, और इसे हम गेट करेंगे। ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ पे इस बटन पे बना हुआ है। अगर हम देखें इनपुट को, इनपुट कॉम्पोनेंट को, तो हमने क्या किया है, इनपुट कंपोनेंट इस तरीके से बनाया है, प्रॉप्स करके फ्रेगमेंट लगा दिया यहाँ पे हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ताकि डिव एक एक्स्ट्रा क्रिएट ना हो, और यहाँ पे उसका लेबल और जो इनपुट टाइप है उसे डिफाइन किया है। अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको बताया ये किस तरीके से बनाते हैं, हम प्रॉप्स का यूज़ कैसे करते हैं, कॉम्पोनेंट किस तरीके से बनाते हैं, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, और यहाँ तक कि स्टेट्स को भी देख चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि हम फोकस को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम input.js में, जहाँ पे हम फोकस के लिए क्या करते हैं, use ref का यूज़ करते हैं। use ref हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं इसका मतलब। किसी भी इनपुट फील्ड को अगर हमें सिर्फ रीड करना होता है तो हम ref का use ref का यूज़ करते हैं, और उसी बेस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोकस करने के लिए हम use ref का यूज़ करेंगे, ताकि जो करंट हमारा फील्ड है उसको हम फोकस कर सकें। कैसे, यहाँ पे हमारे पास है const input ref, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, equal to use ref, इसको यूज़ कर लेते हैं, और ये जो input ref है इसको हम कहाँ ले लेते हैं, हमारे इनपुट के अंदर ले लेते हैं। नाउ अब क्या करते हैं कि जब भी ये हमारा कॉम्पोनेंट कॉल हो तो हमारा जो इनपुट फील्ड है उसके ऊपर वो फोकस करे। कैसे, हम क्या करेंगे, जब भी हमारा कंपोनेंट कॉल होता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमने ऑन चेंज के ऊपर प्रॉप्स को कॉल किया हुआ है, यानी हम यहाँ पे कोई भी फंक्शन का यूज नहीं कर सकते। फंक्शन हमारा कहाँ पे है, पेरेंट में है, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज करना पड़ेगा, ताकि हम किसी भी वैल्यू के चेंज होने पर यूज़ रेफ को हम यूज़ कॉल कर सकें।
कंडीशन ले देते हैं। ये लोडिंग कंडीशन है, आपको पता है यूज इफेक्ट के बारे में भी, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक, यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम इनपुट रेफ लेते हैं डॉट करंट डॉट फोकस कर देते हैं। ओके नाउ अब क्या होता है कि अगर हम देखें तो हमारा क्या क्या होगा सिंपली वे में कि हमने इसे फोकस किया है इनपुट फील्ड को, तो अगर हम फ्रंट एंड पे जाएं तो ये हमारा काम करना चाहिए कोड। ठीक, यहाँ पे आते हैं, हम इसे एक बार रिलोड कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही हमने इसे रिलोड किया ये हमारा सेकंड वाले के ऊपर फोकस आ गया, जबकि फर्स्ट पे नहीं आया। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारा फोकस चला जाता है। अभी क्या हुआ, हमारा फोकस ऑन लोड के ऊपर आया जो हमें चाहिए ही नहीं था। कहाँ चाहिए था हमें, कि पहली चीज़ तो हमारे क्लिक के ऊपर चाहिए था, और दूसरी चीज़ कि जब भी हम रिलोड करते हैं तो वो सीधा पासवर्ड पे आता है, यूज़र नेम पे आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक इनपुट से दोनों को बनाया हुआ है, तो इसीलिए उसने क्या किया, जो पहले इसको किया, और रिएक्ट का प्रोसेस बहुत फास्ट है, इसीलिए क्या हुआ, पहले उसने इसे फोकस किया, और जैसे उसे सेकेंड वाला कॉम्पोनेंट लोड हुआ, जैसे सेकेंड वाला इनपुट कॉल हुआ, वो सेकेंड वाले पे चला गया। ठीक नाउ अभी हमें क्या चाहिए कि ये इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस थी हमारी वो करेक्ट नहीं थी। चलते हैं वापस कोड में। अब हम देखते हैं कि हमने कोड में चेंजेस किए हुए क्या हैं, क्योंकि जो हमारे चेंजेस हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे आगे की प्रोसेस के ऊपर। अगर हम देखें तो हमने क्या किया है, एक इनपुट फील्ड को तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक, इनपुट फील्ड जो है वो क्या है, एक चाइल्ड है एप डॉट जे एस के अंदर, यानी फॉर्म का चाइल्ड है। अगर हम यहाँ पे चाइल्ड से कोई भी डेटा फोकस कर रहे हैं, कुछ चाहिए, और पेरेंट के अंदर उसको गेट करना चाह रहे हैं, तो हम इसे डायरेक्ट वे में गेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बटन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, जहाँ पे हम क्लिक फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं, ये रहा। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फोकस हमें यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक, अब फोकस यहाँ पे हम ला नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमारा इनपुट जो रेफ है वो कहाँ पे है, चाइल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अब कभी भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आए जिसमें हमें चाइल्ड से पेरेंट के अंदर जाना पड़े, क्योंकि जनरली क्या करते हैं, हम पेरेंट टू चाइल्ड में जाते हैं, चाहे प्रॉप्स हो, चाहे कोई भी मेथड हो, या फिर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके भी कर सकते हैं उस तरीके से, बट वहाँ पे भी ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोसेस क्या हो रही है, यहाँ पे चाइल्ड के अंदर है हमारा इनपुट, और हम ऐप डॉट जे एस में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे हम फोकस को गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें अनदर मेथड यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रेफ। ठीक, यानी चाइल्ड टू पेरेंट में जाने के लिए हम फॉरवर्ड रेफ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो यूज़ इफेक्ट का कॉन्सेप्ट था ये गलत हो जाता है, यहाँ पे हम यूज़ इफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। ओके नाउ हमें करना क्या है, हम यहाँ से ये यूज इफेक्ट भी हटा देते हैं, यूज रेफ को हम रहने देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ऐसी क्या चीज थी जिसका हमने यूज नहीं किया। क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना होता है जो कि कस्टम मेथड होता है, कैसे, कॉन्स्ट। ठीक, कॉन्स्ट बनाया, अब यहाँ पे हमने इसको लिख दिया एक्टिव एक्टिवेट एक्टिव इनपुट फोकस। ठीक, अब इसको हम फंक्शन को बना के क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस इनपुट फोकस को कॉल करते हैं। नाउ अब क्या करते हैं कि इस इनपुट फोकस को हमें क्या करना होगा, आउटसाइड से कॉल करना होगा, लेकिन आउटसाइड से हम डायरेक्ट इसे कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ना इसका कहीं पे प्रॉप्स बनाया है, ना हमने कोई किसी तरीके से इसको गेट किया है। अगर हम प्रॉप्स बना के भी इसको गेट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक, तो हमें इस तरीके के फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्या करना होता है कि हमें सबसे पहले एक नया मेथड होता है जिसका यूज करना होता है, कैसे, यूज इंपरेटिव हैंडलर।
ये एक नया मेथड है, आई थिंक आपने कभी इसके बारे में ना सुना हो, लेकिन ये एक यूज इम्परेटिव मेथड हैंडलर मेथड एक बहुत ही अगर बात करें तो यूजफुल मेथड है जिसमें हम चाइल्ड टू पेरेंट में जाते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक, इसके अंदर हम करते क्या हैं, यूज इम्परेटिव हैंडलर में हम इसे कॉल करेंगे। ये किस तरीके से कॉल होता है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास होते हैं। पहले हम बात करते हैं सेकंड पैरामीटर की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक एनोनोमियस फंक्शन बना देंगे। ठीक है, इस एनोनोमियस फंक्शन में हमें हमारे मेथड को, यानी जो हमने ये जो कस्टम मेथड बनाया फोकस का, इसको कॉल करना होता है, क्योंकि हमें इस वाले फंक्शन को आउटसाइड से कॉल कराना है। यानी अगर हम देखें तो हम चाइल्ड की जगह इस वाले फंक्शन को कहाँ से, हम पेरेंट से कॉल कराएंगे। अब पेरेंट से कॉल कराने के लिए, इस वाले फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यूज इंपरेटिव मेथड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है जो भी हमें रिटर्न, एग्जीक्यूशन नहीं करना, इसीलिए हम यहाँ पर रिटर्न लिख रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे फंक्शन तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको लिख देंगे डायरेक्ट इस वाले में फंक्शन को तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे डिले रखना है। यानी हमें जो अलग जहाँ पे फंक्शन का कॉल करेंगे, जहाँ अलग हमारे पास डेटा यूज़ होगा, वहाँ से इसको हिट करवाएंगे। ठीक, कैसे करेंगे, रिटर्न करेंगे, ये लिख दिया हमने। यहाँ पे हमें अब सबसे पहले क्या करना है कि उस फंक्शन का नाम लिखना है जो कि हमारा आउटसाइड से कॉल करने वाला है हमारे एक्टिव इनपुट फोकस मेथड को। हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा जो आउटसाइड फंक्शन होगा उसका नाम क्या होता है, फोकस होगा। ठीक, फोकस मान लेते हैं और इस वाले फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। अब कोई भी हमारा आउटसाइड फोकस फंक्शन है, अगर उसको हम कॉल करेंगे तो वो इस इनपुट एक्टिव इनपुट फोकस मेथड को कॉल कर लेगा, इस इनपुट एक्टिव फंक्शन को कॉल कर लेगा। ठीक, नाउ अब बात करते हैं इस रेफ की। ये रेफ होता यहाँ पे क्या होता है, इस वाले परम्स की जो फर्स्ट परम होता है वो है क्या, जो फर्स्ट परम होता है वो हमारा परम क्या होता है, हमारे पेरेंट का जो पेरेंट कंपोनेंट है उसका रेफ। ठीक, अभी हम पेरेंट कंपोनेंट में भी आएंगे कि उसका रेफ कैसे बनेगा वहां पे। ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है, फर्स्ट पैरामीटर है, ये होता है पेरेंट वाले का रेफ, तो हम इसे रेफ लिख लेते हैं। लेकिन ये रेफ हमें पेरेंट से डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, हमें इसे किसी तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट कराना होगा। इंपोर्ट कराने के लिए क्या होता है कि जो हमारी ये प्रॉपर्टीज होती है जहाँ पे प्रॉप्स, इसी के साथ में हम यहाँ लिखते हैं रेफ, यहाँ पे लिखते हैं रेफ। ठीक, इस वाले को रेफ को हमने कहाँ पे लिखा, प्रॉप के साथ में। ठीक, अब ये डायरेक्ट मेथड इस तरीके से चलता नहीं है, ये हमें क्या बताएगा कि हम मैं इस तरीके से इसे कॉल नहीं करने दूंगा। यहाँ पे हमें एक स्पेशल फंक्शन का यूज करना होता है। अगर यहाँ पे सपोज दो प्रॉपर्टीज आप ले रहे हो तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक मेथड यूज करना होगा रिएक्ट से जो आता है, रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ, ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसको भी बंद करेंगे। नाउ ठीक, ये समझ आया, ये रेफ यहाँ पे क्यों आया, ये आउटसाइड फंक्शन का रेफ है, और आउटसाइड फंक्शन को रेफ को कॉल करने के लिए हम किस तरीके क्या यूज करेंगे, फॉरवर्ड रेफ मेथड का यूज करेंगे। इस तरीके से लिखते हैं फॉरवर्ड रेफ। ठीक, अब इसे सेव करते हैं। नाउ अब क्या करते हैं, हम हमारे app.js में जाते हैं। ठीक, यहाँ पे भी हमें रेफ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे चाइल्ड में हमें रेफ पास करना है, उसका कुछ तो रेफरेंस हमें देना पड़ेगा, इसीलिए हमें यहाँ पे यूज़ रेफ का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें जैसे हम इनपुट के लिए रेफ लिखते थे, एक्जैक्टली वही रेफ लिखेंगे यहाँ पे, और हर फील्ड के लिए अलग अलग रेफ बनाएंगे। कैसे, यहाँ पे हम लिख देते हैं const user name ref, ओके, use ref। दूसरा हमने क्या बनाया, const password ref,
यूज रेफ नाउ, इस यूजर नेम रेफ को हम कहाँ पास करेंगे, हमारे यूजर नेम के अंदर, ताकि अगर हम फोकस मेथड को कॉल करते हैं तो हमारा जो फोकस मेथड होगा वो स्पेसिफिक इनपुट के लिए कॉल हो. कैसे, रेफ यहाँ पे डाल दिया. अगर हम इस वाले इनपुट की बात करें रेफ की, तो यहाँ था पासवर्ड रेफ. ठीक, नाउ अब क्या करते हैं हम कि हमें इस रेफ को जैसे कि हमने इनपुट में स्टार्ट में किया था फोकस का काम, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे. कैसे कि हम सबसे पहले ये चेक कराएंगे कि हमारे पास वैलिडेशन कब आए, जो हमारा फोकस है वो कब वैलिडेट हो और कौन से फील्ड पे वैलिडेट हो. इनपुट पे यूजर नेम पे करना है या हमें पासवर्ड पे करना है. कैसे देखेंगे, इफ हम यहाँ पे चेक कराएंगे कि अगर हमारा जो स्टेट है यूजर नेम का, उसके अंदर की वैल्यू अगर इंक्लूड करती है एट द रेट, तो ये फंक्शन नहीं चले, नॉट. ठीक, और यहीं पे हम ये चेक कराएंगे कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें एरर क्या आना चाहिए, यूजर रेफ के ऊपर हमारा जो कर्सर है वो चला जाना चाहिए. ठीक है, सॉरी, अब हुआ क्या, ये जो करंट डॉट फोकस है ये एक्चुअल में यूजर रेफ का जो करंट मॉड्यूल होता है उसका फोकस है. ये फोकस कौन सा वाला है, ये फोकस, ये इनपुट वाला फोकस नहीं है, अब ये वाला फोकस है. ठीक है, इस वाले फोकस को, फंक्शन को हमने यहां पे कॉल कराया, यानी जो यूजर नेम रेफ है उसके करंट का जो मेथड है फोकस वो कॉल हो, यानी ये वाला फोकस. चाहो तो आप इसके नेम चेंज कर सकते हो ताकि आपको आइडिया हो जाए. मैंने अभी फोकस लिया हुआ है, आप इसकी जगह कोई और नेम भी ले सकते हो. मैं इसको सेम कॉपी करके यहाँ पे रख रहा हूँ. ठीक है, इसको सेव करते हैं. अब अगर वो ये कहते हैं कि इफ अगर पासवर्ड जो है, पासवर्ड रेफ है वो अगर ब्लैंक है, इक्वल टू ब्लैंक है, तो हमारे पास क्या कॉल हो, कि पासवर्ड रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, क्योंकि फंक्शन तो एक ही है, इनपुट फील्ड एक है, तो अलग अलग है नहीं, इसीलिए हमने दोनों को सेम यूज किया. इसमें हम कर देते हैं कि अगर जो लेंथ है, जो इसकी LENGTH, जो लेंथ है ब्लैंक की जगह हम लिख देते हैं लेस देन 2 है, तो इसको वो फोकस करेगा. ठीक है, नाउ अब चलते हैं हमारे फ्रंट एंड के ऊपर. अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई एरर हमें दिखी नहीं है. हम चलते हैं हमारे फ्रंट एंड पे, देखते हैं वहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं. इसको रिलोड करते हैं. ऑनलोड के ऊपर फोकस का सिस्टम खत्म हो गया अब. ठीक है, ऑनलोड के ऊपर जो फोकस आ रहा था वो नहीं हो रहा. इसको क्लिक करते हैं. देखो सबसे पहले इसने क्या किया, यूजर नेम को फोकस कर दिया. ठीक है, अब अगर हम इसको देखें कि हमने यहाँ पे डेट कुछ लिख दिया, सपोज बार क्लिक किया और वापस क्लिक करते हैं तो इसने फिर फोकस किया. अगर हम यहाँ पे अब एट द रेट ये कुछ भी लिख दें और फिर इसको क्लिक करते हैं तो इसने इसको फोकस नहीं किया. ये कहाँ जाना चाहिए था, सेकंड वाले के ऊपर. क्या इशू हुआ, एक बार देखते हैं. लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो हमारी ये चीज फुली फंक्शनल काम कर रही है, कि अगर हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये फोकस कर रही है. ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार क्या इशू है. इशू में बता देता हूँ क्या हुआ, कुछ भी नहीं था. देखो ये कॉल करने लग गया इसको. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो इसको कॉल करने लग गया. लेकिन क्या हो रहा है कि ये डायरेक्ट पासवर्ड वाले पे आ रहा है. इसका भी इशू बता देता हूँ कि क्या हुआ था. अगर हम हमारे कोड में चलें, जस्ट अ सेकेंड, यस नाउ, अगर अब हम कोड में चलें तो हमारे पास क्या इशू था,
कि हमने यहाँ पे पासवर्ड रेफ को डाल दिया था लेन चेक कराने के लिए। पासवर्ड रेफ एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे पासवर्ड रेफ को कुछ मिलेगा ही नहीं, इसको अनडिफाइंड आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट फील्ड तो है नहीं, वो तो कॉम्पोनेंट में है, इसीलिए तो हमने फॉरवर्ड रेफ का यूज़ किया है, क्योंकि डायरेक्ट रेफ तो यहाँ कुछ हमें मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या करना था, पासवर्ड जो स्टेट था उसका यूज़ करना था, इसका ये वाले का। ठीक, और पासवर्ड रेफ हमारा फोकस करने के लिए यूज़ होता। अब क्या हुआ यहाँ पे, वो सेकंड वाले पे क्यों जा रहा है ये बता देता हूँ मैं आपको, कि जब भी हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमें सबसे पहले वो फील्ड रखनी है जो कि एंड में आती है, ठीक है, और बाद में वो फील्ड रखनी है जिसको हमें पहले चेक कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र नेम हमें पहले चेक कराना था इसलिए बाद में रखा, और पासवर्ड बाद में चेक कराना है इसीलिए पासवर्ड पहले रख दिया। नाउ अगर अब हम फ्रंट एंड के ऊपर जाते हैं हमारे और इसको रिलोड करते हैं, देन अब क्लिक करते हैं, तो देखो फोकस सीधा कहाँ पे होगा, इसी के ऊपर होगा। अगर मैं यहाँ कुछ वैल्यू भी डाल दूँ और इसको फिर से एंटर कर दूँ तो ये सीधा स्टेट वहीं फोकस करेगा पहले वाले पे। देन अगर अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और फिर क्लिक किया तो अब ये सेकंड को फोकस करेगा कि भैया आप इसको अब फिल करना है आपको। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से फॉरवर्ड रेफ काम करता है। अगर हम यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू डाल के एंटर कर देंगे तो ये आगे पास हो जाएगी। ठीक, हमने अभी इसके आगे का मेथड कुछ भी नहीं बनाया है, ये सिर्फ आपको दिखाया था कि फॉरवर्ड रेफ किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो ये केस जो है वो रेयरली यूज केस है, तो इसीलिए कि ये आपका सीखना जरूरी था, बट आई डोंट थिंक कि इसे हर कोई यूज़ करता होगा क्योंकि सिंपल वे में जाते हैं। बहुत ही ऐसे कम केसेस आते हैं जहाँ पे इस तरीके की कंडीशन आती है, बट उस केस के लिए आपको रेडी रहना है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे फॉरवर्ड रेफ का मतलब बताया किस तरीके से यूज़ होता है। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं भी कोई इशू हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा और अपने फीडबैक दीजिए इसके ऊपर। और एक और चीज़ कि अगर आपने अभी तक कोड मेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब बटन है इसे ज़रूर क्लिक करें, और ताकि आने वाली वीडियोस को आप देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।